Thank you, DCC, for supporting our son at every step. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके लिए डीएसी की फर्स्ट इंप्रेशन कैसी थी? ऑनेस्टली बोलो तो वेरी केयरिंग अबाउट स्टूडेंट्स। डीएसी इज डिफरेंट, बेहतर एंड कस्टमाइज। जब मैं यहाँ एडमिशन इंक्वायरी के लिए आया था तब उन्होंने मेरा स्मॉल केवाईबी यानी कि नो योर बैंड टेस्ट लिया था टू चेक माई प्रोफिशिएंसी इन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड फ्लुएंसी, ताकि वो मुझे उसके अकॉर्डिंग ट्रेन कर सके। मुझे एक चीज़ काफ़ी यूनिक लगी कि दे वर इंटरेस्टेड टू ट्रेन मी एज पर माई लेवल रादर देन पुटिंग मी इनटू क्लासरूम ऑफ 100 ऑफ स्टूडेंट्स, तो ज़्यादातर पॉपुलर क्लासेस में होता ही है और वहाँ पर डाउट्स भी सॉल्व नहीं होते हैं। केवाईबी जैसे यूनिक इवेल्यूशन मेथड की वजह से फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन भी डीसी में मैंने कंफर्म कर लिया था कि मुझे यहीं पे एडमिशन लेना है फॉर माय आईएलटीएस प्रिपरेशन। एंड टिल डेट आई हैव नो रिग्रेट इन यूजिंग डीसी फॉर माय एंटायर वीजा प्रोसेस। जब आपके आईएलटीएस के क्लास स्टार्ट हुए एट डीसी तो आपको क्या सर्विस दी जाती थी? अपार्ट फ्रॉम पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट जो एवरी ऑल्टरनेट डे होते थे व्हेन द टीचिंग साइकिल वाज ओवर, मॉक टेस्ट के रिजल्ट भी हमको दूसरे दिन ही मिल जाते थे। अगर मेरी पुअर परफॉर्मेंस होती थी तो मुझे वो आंसर रीड्राफ्ट करने को देते थे, meaning that they believe in quality rather than quantity, and there this feature helped me to crack my IELTS exam in one go with a desired score of 7 bands. और एक फैसिलिटी DEC की मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ऑन वीकडेज ड्यू टू पर्सनल रीजन अगर मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता था तो वही मैं सैटरडे संडे के बैच में कवर अप कर लेता था वीकडेज का। तो वीजा प्रोसेस सर्विस का एक्सपीरियंस एट DEC भी उतना ही सेटिस्फैक्ट्री था? डेफिनेटली, वीजा फाइलिंग के लिए मैं और मेरे पेरेंट्स आयुष सर से मिले, उनके साथ बैठ कर डिटेल में बात की अबाउट वेरियस कंट्रीज और कौन सी कंट्री है जो मेरे प्रोफाइल के साथ बेस्ट मैच कर सके। फिर हमने यूके के लिए वीज़ा प्रोसेस चालू किया। इशिता मैम जो कि यूके के काउंसिलर है उन्होंने मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वहाँ के कौन से कोर्सेज है उसके बारे में बताया और इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने की वजह से आई कुड चूज़ द बेस्ट प्रोग्राम फॉर माई हायर एजुकेशन। कैश भी विद इन अ वीक आ गया था एंड गेटिंग अ यूके वीज़ा वॉज नेवर अ स्ट्रेसफुल थिंग for me and my parents. आपने यहाँ जॉब भी की, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एज एन एम्प्लॉय एट DEC। जब मेरी वीजा फाइलिंग चल रही थी तो उस दौरान DEC ने मुझे अप्रोच किया टू वर्क एज एन इंटर्न ट्यूटर बेस्ड ऑन माई आईएलटीएस स्कोर। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, बट जब उन्होंने मुझे 3 डेज का ट्रेनिंग का स्केड्यूल मेल किया तब मुझे लगा कि दे वर रियली इंटरेस्टेड टू वर्क विद मी। फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरमेंट, फिक्स्ड वर्क आवर्स, सपोर्टिंग सीनियर्स, गुड कलीग्स एंड मच मोर would motivate me to work more at DEC. Thank you, DEC. You hold a unique place in my heart for making it easy to achieve my academic goals even when study abroad rules are getting stringent. As a parents, aasan nahi hota hai apne bachcho ko overseas bhejna akele. What made you trust DEC? Sahil ne kai sare experience as a student at DEC hamare saath share kiye hain. जब भी साहिल के दोस्त हमारे घर पे आते थे तो उनके IELTS कोचेस के बारे में बताते थे तो उतने अच्छा वो लोगों का रिपोर्ट नहीं था, पर धीरे धीरे हमें DEC पे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और साहिल की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी वो हमें टाइम टू टाइम वो लोग हमें इन्फॉर्म करते थे, इससे हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और साहिल का जब IELTS का रिजल्ट आया अच्छे बैंड से तब हमने सोचा कि आगे का वीज़ा का प्रोसेसिंग भी हम DEC से ही करवाएंगे। वीजा सर्विस दौरान आपने क्या स्ट्रगल की? सच बोले तो स्ट्रगल जैसा हमें कुछ लगा ही नहीं। थैंक्स टू आयुष सर एंड इसिता मैम, उन्होंने हमारा सारा प्रोसेस बहुत स्मूथली हैंडल किया और हमें वीज़ा प्रोसेस के लिए बहुत डिस्कशन के लिए हमें एक ही बार मिलना पड़ा, जिससे हमें कॉल की या मैसेजों की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी और बहुत अच्छे से हमारा स्मूथली सब कुछ हैंडल हो गया। थैंक्स टू आयुष सर एंड इसिता मैम। थैंक यू DEC फॉर सपोर्टिंग आवर सन एट एवरी स्टेप।